ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? नहीं मैं उधर बी साइड गया है। चलो मिल करिए, अमृतसर आओगे? कोट कॉफी ऑर्डर की थी, देखा यार ग्रेप जूस। गुड मॉर्निंग गाइस, की हाल चाल, डिगड़ा सारे। अज हैगा जी साडा केरला च दूजा दिन। कल रात ईवेंट तो वापस आंदे आ, रात दे एक दो बज गए, फिर आ गए यार थके पे ही सो गए, तो हुण सवेरे 10 बजे उठिया वा, तो 10 बजे साडा चेकआउट टाइम ही। हुण फटाफट ब्रेकफास्ट कर चला वा, तो फिर देखना एग्जीबिट एंड अदर गेस्ट बफे, तो हुण ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर देखते हैं। अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कर लिया आपने ब्रेकफास्ट? फुल एकदम रेडी हो? नहीं नहीं रेडी तो अब हो गए। चलो मैं करके आता हूँ, डन, अभी मिलते हैं। ठीक है, कर लो फटाफट। तो चलो हुण ब्रेकफास्ट करिए यार, भुख बहुत ज़्यादा लगी, कल रात भी ज़्यादा कुछ खाता नहीं गया। पूड़ियाँ भाई, एक मसाला डोसा लगा हुआ, अच्छा था। ते नाल आलू पूड़ियाँ, इधर पास्ता भी है, एक ही वो पूड़ियों की भाजी, कडाला कड़ी, चटनी। सो ब्रेकफास्ट साडा आ चुका है जी, इधर हैगा डोसा, चटनी, सांभर, पूड़ी, आलू, चटनी, वाटरमेलन जूस, कॉफी शेक, कॉफी एंड मिल्क शेक। हम करते हैं तो फिर मिलते, हाले मैं मोबाइल भी अपना चार्ज करना यार, अज उठद काफ़ी टाइम हो गया, 10 बजे का कॉलिंग टाइम ही। वैसे उठते मैं 8 बजे ही गया ही, पर थकावट इन्नी ही मैं बैठ के लम्मा पै रहा। फिर जो फोन आया इन्हों का, पीछे छेती उठो, चेकआउट करना वा, ब्रेकफास्ट करो। तो यार हूँ छेती छेती रेडी हुए तो ब्रेकफास्ट करने लिए आ गए, हम ब्रेकफास्ट करिए, तो हाले पैकिंग भी करनी है। सो ब्रेकफास्ट अपना डन हो चुका जी, सो चेकआउट करने तो पहले मैं एक बार बीच साइड हो आईए, तो फ्लाइट हैगी है शामी 6 बजे की, तो हूँ जाना आप थोड़ा जहा एक्सपीरियंस करने वास्ते, देखो कितने लग जाते। पहला तो प्लैन ही इन्हों का जतायू लैके जा, उतना स्ट्रक्चर बनया हुआ ईगल का, सो उत्थे शायद लिफ्ट बंद, वो पौड़ियों में स्टैप वगैरह चढ़ने पैने, तो वह काम औखा वा, तो हूँ देखो शायद हाउस बोट से लैके जा, बाकी देखो जो चैकड़ होगा तो पता लगेगा। हाले सवेर के 10:30 होए आ, तो धुप इन्नी ज़्यादा तेज आना यार, आ देखो लगते सवेर के 10:30 ए लग रहा कि दोपहर के 1-2 बज गए होंगे। तो हूँ बी साइड जाके 2 मिनट उत्थे बैठते हैं, जिहड़ियां लहरां वा उन्होंने देख के यार बड़ी सैटिस्फैक्शन होंगी है। तो चलो चलते हैं, अब तुम भी दिखाने हैं। चलो जी चलिए इस रूम छड़ के, वैसे रूम का कोई फायदा तो नहीं होया, या तो बाहरली साइड बैठे रहे तो जा फिर ईवेंट ची, कल बिजी रहे। चलो देखो लगा के आराम से चेकआउट करना है, आराम से रेडी हो जाके चेकआउट। पूड़ी खादी पंजाब
सही गल है। चलो फिर रेडी हो आप जल्दी यार ले। हाँ, चलो चलिए चलो लक्ष्य चल चलो ठीक है चलो अमृतसर आओगे हम अभी चलें जी हाउस बोट एक्सपीरियंस करने वास्ते। होटल तो चेकआउट करके हूँ असं निकल चुके रैविज कॉलम वाल उतें जाते सू 2 घंटे लगने हैं। अद्धा घंटा हो गया है बस हले 1.5 घंटा होर लगना वा तो फिर फ्लाइट साड़ी हैगी 6:20 की एयरपोर्ट पहुँचना पैना सूँ 5:30 बजे तो हाउस बोट एक्सपीरियंस करना वा अच्छ सो देखते हले 1.5 घंटा लगना यार बोर हो गए सारा दिन गड्डी जी कर देना ऐसे नौ जी 2 घंटे उतो फिर एयरपोर्ट का रास्ता वा चलो देखते की बनता थोड़ा बहुत जे आए हैं होटल तो निकले हैं उत जावे तो कुछ ना कुछ तो करा उ देखोगे अद्धे रस्ते तो आ गए हुए हैं इतने डीजल भरवा रुके हैं तो बहर तो गर्मी हैगी कमी लोकेशन बनी हुई है यार रेस्टोरेंट आरएस करन भाई हुणी उधर गए कुछ खाण पीने लैन वास्ते क्योंकि होटल तो यार ब्रेकफास्ट किया ही पर ब्रेकफास्ट इतना वधिया नहीं डोसा ही फिक्का जिहा डोसा ही तो फ्रूट्स खाधे ही तो लंच ब्रेकफास्ट कीतियां नूं भी 2-2.5 घंटे हो गए हूँ देखते दे कुछ जो मिले तो इतने लैंग्वेज का इशू आ जाता यार उन्होंने समझ नहीं लगती साड़ी गल्ला भावें इंग्लिश बोलो तो भावें हिंदी थोड़ा समझाने क्योंकि इतने चलती है शायद कन्नड़ लैंग्वेज का यार ग्रेप जूस बड़ा घैंट जी यदि बोतल ही इन्नी वधिया वा कॉफी रेडी हो रही है कॉफी लैके टैक्सी बैठ के 1 घंटा लगना वा सानू लोकेशन पर पहुँचने लगे हैं कॉलम तो फिर अगे देखते हैं की सीन इतने तो बड़ी गर्मी डाउन ब्रेक नहीं लगा ब्रेक नहीं बड़ा ब्रेक लगा दी उन्होंने साढ़े टैक्सी वाले ने एकदम ब्रेक ला दी बोलनी वो तेज आ रही तेज आ रही क्योंकि आप आराम ना ही हाँ साड़ी टैक्सी ही ये लिया के एक्टिवा मारी पर एक्टिवा का काफ़ी नुकसान हो गया हम ड्राइवर अंकल ये गलबात करने वास्ते गड्डी का ज़्यादा नुकसान तो नहीं है बंपर ही बस फोल्ड है पर एक्टिवा का बुरा हाल हो गया यार यार मैं आज तक इन्ने प्यार ना लड़ते कर नहीं देखा जो हूँ पंजाब चाहे हो जाना हूँ तो इन्नी तगड़ी लड़ाई हो जानी इतने पर बड़े प्यार सोल्व कर रहे ताड़ी गलती साड़ी गलती मतलब प्यार ना कि हूँ उन्होंने लैंग्वेज की पता की कह रहे हो पर सानू देखने ज्यादा लग रहा कि बड़े प्यार सोल्व कर रहे भाई होया कि ड्राइविंग स्कूल के अगे हाले ये डिसाइड नहीं हुआ कि गलती कि पर साडे हिसाब से गलती एक्टिवा वाले दी गड्डी साड़ी स्लो ही 10 वीरी स्पीड से ही एक्टिवा वाले ने पिछों लेके थर्ड मारी सानू खुद झटका फील होया यार हम देखो हम अंकल ने तो बेचारे टेंशन पै गई है
ਸੋ ਰੈਵਿਸ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਬੋਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਵਿਸ ਦਾ ਰੈਵਿਸ